हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, अभी का टाइम हो रहा है 1:30 बज गए। मैं आज करने वाला हूँ सोलो ट्रिप जयपुर से जोधपुर, काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं सारा सामान जता के अच्छी तरह से पैकिंग, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सोलो ट्रिप में क्या क्या होता है मेरे साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसके मतलब एक एक पॉइंट बताऊंगा क्या क्या कौन सी कंडीशन में रुका हूं और क्या रुका हूं, काफ़ी मज़ा आने वाला। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसके मत करना। फिलहाल मैं टूथपेस्ट और पेस्ट भी डाल लेता हूँ, पूरा सामान पैकिंग करके अच्छे से जाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। तो कोई भी नहीं है, इतनी दूर में जा रहा हूँ ना जोधपुर, पहले बार जा रहा हूँ इतनी दूर सोलो ट्रिप करने के लिए, वो भी अकेला। मज़ा आएगा काफ़ी, मुझे तो एक्साइटेड हो रही है काफ़ी। और अभी 4:30 बजे की है रानौली से जयपुर, जयपुर से वो उसके बाद में जोधपुर सीधा 11 बजे की है, 11 बजे की है ट्रेन, और जो मुझे छोड़ेगी 3 बजे के समथिंग छोड़ देगी, 3:30-4 बजे के समथिंग छोड़ देगी। तो 2 घंटे रेस्ट करके रेलवे स्टेशन पे उसके बाद मैं विजिट करूँगा जोधपुर। पैंट शर्ट ले लिया मैंने, चादर ले लिया, सर्दी पड़ रही है ना, तो चादर भी काम आएगी। एक में सारा सामान जता दिया मैंने। तो आप सोच रहे होंगे मेरे को किस बात की हंसी आ रही है, वैसे हंसता ही रहता हूँ मैं, लेकिन हैप्पी ने एक डायलॉग बोला था मुझे काफ़ी हंसी आई उस पर ऐसा कुछ। फिलहाल तो हैप्पी बना रहा है चाय, ये भी स्कूल से आ गया, स्कूल की अभी ड्रेस नहीं खोला इसने, तो हैप्पी पहले चाय बनाएगा उसके बाद में खोलेगा ड्रेस। क्यों, हैप्पी बढ़िया चाय बनाता है यार, एक नंबर लगी मुझे। 10 रुपये की एक चाय, 10 रुपये की एक चाय लेना है किसी को तो मत लेना तो हैप्पी बना लेगा चाय, मेरा बैग बैग पैकिंग हो गया। अब हो गई 4:15, मैं निकल रहा हूँ इधर से रानौली से, तो हैप्पी भी जा रहा है मेरे साथ थोड़ी दूर छोड़ने के लिए मुझे, तो चलते हैं और आज करते हैं टूर, काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल तो मैं निकल तो आ गया, अब रेलवे स्टेशन से टिकट लेता हूँ उसके बाद में जयपुर। 4:30 बजे की है ट्रेन इधर से, और मुझे बुझाएगी 7:30 बजे जयपुर की तरफ। तो ये है रानौली का रेलवे स्टेशन, टिकट मैंने ले ली, बस ट्रेन आ गई, तो इसमें बैठेंगे आप। चल, इससे ट्रेन तो मिल गई है, लेकिन काफ़ी भीड़ है, 4:30 बजे भरे, पूरे डब्बे भरे हुए हैं, और मेरे को सीट मिली है था पे ये था, तो 7:30 बजे तक पहुँचा देगा। गया मैं गाइस, अब जयपुर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के मैं टिकट लूँगा, और उसके बाद में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ खाना, खाना मैंने ला रखा है, तो खाऊंगा खाना फिर, उसके पहले तो मैं बाहर निकलता हूँ रेलवे स्टेशन से और चाय वाय पीता हूँ, पहले मैं चाय पीऊँगा उसके बाद मैं टिकट लूँगा, बाहर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, इसकी इधर भी ट्रेन लगी हुई है, देखो इंजन दौड़ने को लगे हुए हैं, ट्रेन लगी हुई है इधर। फिलहाल तो बाहर की तरफ निकलते हैं, निकलने का रास्ता बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ निकल रहा हूँ मैं। अभी तो बाकी है सामान, आ गई सामान की गाड़ी आ गई थी, तो बाहर की तरफ निकलता है, पहले तो पीऊँगा मैं चाय, एक चाय गर्मा गर्म हो जाए। इधर टैक्सी वैक्सी लगी हुई है, और स्पेशल चाय ढूंढता हूँ, क्यों चाय की तलब लग गई मुझे, तलब है चाय की, तो चाय तो ढूंढते हैं बाहर की तरफ जाके, कोई स्पेशल मिल जाए तो इलायची विलायची डाल के। यह है रेलवे स्टेशन जयपुर के, चाय तो मिली नहीं, तो मुझे मिले पानी पतासी और दही बड़े, तो दही बड़े खा रहा हूँ इस भैया के पास, खाता हूँ। भूख भी लगने लग गई थी, तो कुछ तो खाना बनता ना, तो दही बड़े खा रहा हूँ। गाइस, मेरा दही बड़ा खा के हो गया, और आपको व्यू दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर का। गाइस, जोधपुर की मैंने टिकट तो ले ली, पानी इधर से भरा देता हूँ मैं फिल्टर का, और उसके बाद में चलता है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी मेरी ट्रेन, तो इधर से पानी की बोतल भरा लेता हूँ मैं फिल्टर। मैं प्लेटफॉर्म 3 पे आ गया, ट्रेन लगी हुई है दूसरी, और मेरी आएगी 8:40 पे, और 9:10 में निकलेगी, ये तो दूसरी लगी हुई है 15:97:05, और मेरी नंबर अलग है। काफ़ी भीड़ हो रखी है, मुझे सीट मिल जाएगी क्या जनरल डब्बे में जाना है मुझे, तो 2 पीछे के जनरल डब्बे होते हैं, 2 आगे के जनरल डब्बे होते हैं, तो 2 पीछे और आगे देखना पड़ेगा मुझे, ये जनरल डब्बा ही है और ये भी जनरल डब्बा ही है, तो बाकी सारे आते हैं ना, वो आगे के 2 डब्बे और पीछे के 2 डब्बे जनरल है, बाकी पैसेंजर है। तो मुझे क्या है, 1 घंटा इधर वेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं इधर, इनके जैसे मैं भी पसंद ना मार जाऊँ।
तो इस दिन की जैसे मैं भी बैठता हूँ कहीं ना कहीं, और ये झोपड़ी सी बनाई हुई है, झोपड़ी के नीचे तो काफ़ी बैठे हुए हैं। आगे की तरफ अब जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही बैठा हूँ, क्यों पैसेंजर ट्रेन इधर ही आएगी ना, ये भी पैसेंजर से लग रही है, पैसेंजर ट्रेन ही है ये भी, द्वितीय श्रेणी पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास ही है, हाँ ये पैसेंजर ट्रेन ही है, तो इस प्रकार से आएगी पैसेंजर ट्रेन। तो वेट करते हैं, एक डेढ़ घंटा बाकी है मेरा, और ये देखो ये ट्रैवली आ गई, आज 8:50 होने वाली है और मेरी ट्रेन आने वाली है, ये जाते ही सीधी वो लगेगी जोधपुर वाली, और काफ़ी भीड़ हो रखी है इधर, और मुझे नहीं लगता मेरी सीट आ जाएगी यार, जनरल डब्बे में कैसे भी करके मुझे पहले सीट पाना है, कम से कम 6-7 घंटे की दूरी है, तो सीट तो मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। ये है दूसरी ट्रेन जयपुर से, ये है जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर जाएगी, और इसके बाद में ही आएगी जोधपुर वाली ट्रेन, अपनी ट्रेन आ चुकी है, ये जाएगी जोधपुर, अलग अलग डब्बे के अलग अलग नंबर हैं, तो इसमें बैठ के हम जाएंगे अब जोधपुर। यार कितने बजे बजा देगी, 1:30 बजे के समथिंग बजा देगी, या बाड़मेर मथुरा। ट्रेन में तो बैठ चुकी है लेकिन काफ़ी भीड़ है इसमें, पूरे पूरे डब्बा भरा हुआ है, और यार जनरल डब्बा है तो जनरल डब्बा एकदम से भरा हुआ होता है, और कोलेरा में मुझे लगता है कि खाली हो जाएगी, तो पूरा का पूरा डब्बा भरा हुआ है, तो सही है, सोलो ट्रिप में कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी क्या भी हो सकता है, मतलब सोचा हुआ तो कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, चलते रहो ऐसे ही, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इसका टाइम है 9:14 पे चलेगी, उतर चुका हूँ मैं, ये है जोधपुर जंक्शन, तो बाहर की तरफ निकलता हूँ, इधर से कुछ तो खाने के लिए लेता हूँ पहले, तो वो भी एकदम भयंकर तरीके से लगने लग गई मुझे, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, 1:30 बजे फिक्स टाइम पे पहुँचा दी ये ट्रेन। वेलकम टू जोधपुर रेलवे स्टेशन, बाहर की तरफ निकलता हूँ, ट्रेन खड़ी है विंडो, रेलवे स्टेशन, बाहर निकलने का गेट, और इधर लोग विश्राम भी कर रहे हैं, इधर टिकटिंग भी है, टिकट भी ले सकते हो इधर से, ऊपर का माहौल फिलहाल, तो मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, तो गाइस मैं आ गया बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन के, यह है जोधपुर का रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन, पहले तो कुछ देखता हूँ खाने का, खाना ये भी बहुत पड़ी है, दवा ये देखो, आई लव सन सिटी, कितना मस्त लिखा हुआ है यहाँ, आई लव सन सिटी उत्तर पश्चिम रेलवे, ये डेमो रेलवे, ये देखो गाइस काफ़ी शानदार लग रही है ये ट्रेन, डेमो ट्रेन है ये, और अंदर ही जा रहा हूँ मैं बैठने के लिए, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अंदर और चार्जिंग करता हूँ, फ़ोन एकदम डिस होने वाला है तो फ़ोन को भी एकदम चार्ज लगाते हैं, अंदर की तरह एक कोना ढूंढता हूँ मैं बैठने के लिए, उसके बाद में चार्जिंग करते हैं, गाइस फ़ोन को चार्ज लगा देता हूँ और खाना खाऊंगा मैं, मेरे को मम्मी ने टिफिन पहले से डाल दिया था तो फिर हम खाऊंगा, अब खाना फिलहाल तो चार्ज लगा देते हैं फ़ोन को, खाना खा के हो गया था तो मैं क्या चार्जिंग लाया था ना, वो चार्जर ले लिया और नीचे वो दूसरा सो रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, आँख एकदम भयंकर तरीके से दुखने लग गई, तो सोता हूँ इधर ही मैं, तो आपको सुबह मिलता हूँ, बाय गाइस, अभी के लिए बाय बाय, आपको आज का ये सोलो ट्रिप मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय गाइस, रेलवे स्टेशन पे सो रहा हूं, जैसलमेर स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टू